अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए बहरिया टाउन की रियल स्टेट में, बिल्डर्स की तरफ से, डेवलपर्स की तरफ से, और अपने प्रोजेक्ट्स को बेचा गया। ख़ासकर मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो ज़ीरो डाउन पेमेंट पर सेल किया गया, और मैं आज ज़ीरो डाउन पेमेंट पर बिकने वाले उस प्रोजेक्ट में जिसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, उस प्रोजेक्ट की आज करंट अपडेट्स क्या हैं, क्या काम किया गया है, क्या चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं, और रेंटल्स के बड़े बड़े वादे किए गए और ज़ीरो डाउन पेमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स का प्रोजेक्ट लिबर्टी ट्रेड सेंटर यानी LTC, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर यानी टोटल 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट था, जो बहरिया हाइट्स के बिल्कुल करीब प्रीसिंक्ट 7 के लूप रोड पर लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स को मिला के ये प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को जब हमने मार्केट में लॉन्च किया तो बहुत सारा नेगेटिव फीडबैक हमें मिला कि ज़ीरो डाउन पेमेंट पे लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट ये किस तरह से कंप्लीट होगा, या कौन लोग ये मार्केट में आए हैं जो ज़ीरो डाउन पेमेंट लेंगे और ख़ुद से पैसा अपनी जेब से लगाएंगे और एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। लेकिन आज वो वक्त आ गया जब मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि बिल्डर आज ये क्लेम कर रहा है कि वी आर गोइंग टू ऑफर द पोजेशन ऑफ दीज शॉप्स, क्लिनिक्स एंड ऑफिस विद इन 60 डेज, यानी 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इन क्लिनिक्स का, ऑफिस का और शॉप्स का कब्ज़ा मिलने वाला है। और ख़ासकर इसके अंदर रेंटल अश्योरेंस की बात भी की गई थी, यानी रेंटल्स के साथ भी कुछ इन्वेंट्रीज की सेल की गई। आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि 7% सालाना रेंटल्स के साथ ये डील आज भी दस्तियाब है, जिसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिट्स अवेलेबल हैं ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे और बेसमेंट में। इन यूनिट्स को हासिल करने के लिए पहले आइए, पहले पाइए के बुनियाद पे आप लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसका कोई वजूद ना हो और उसके अगेंस्ट आप लोगों को रेंट दिया जा रहा हो, यानी कोई सूद के ज़ुमरे में खुदा ना खास्ता नहीं आता। बनी हुई प्रॉपर्टी है, 60 दिन के अंदर उस बिल्डिंग का कब्ज़ा आप लोगों को मिल जाएगा और फिर फॉर 1 ईयर आप लोगों को इसकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो बना के दिया जाएगा। आज भी आप लोग ज़ीरो डाउन पेमेंट से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, यानी पहली इंस्टॉलमेंट की आप अदायगी कीजिए और 2 साल तक आप लोग 7% जो पर एनम के हिसाब से जो रेंटल्स बनते हैं वो भी आप लोग अवेल कर सकेंगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नाज़रीन। छोटे साइज़ की शॉप्स हैं जिसमें 600 स्क्वायर फिट, 500 स्क्वायर फिट, 700 स्क्वायर फिट की शॉप्स हैं बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, अब ये बिल्डर आप लोगों को रेंटल्स कहाँ से देंगे, कौन लोग आके इस पूरी यानी एक मार्केट को, लिबर्टी ट्रेड सेंटर को, इस कमर्शियल एरिया को कौन आबाद करने जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे क्लिनिक्स यानी जितने भी डेंटिस्ट बैठे हुए हैं ये बहरिया टाउन में, जो ऐसे डॉक्टर जो अपने डिफरेंट जगहों पर क्लिनिक्स चला रहे हैं, उन लोगों को यहाँ इन्वाइट किया गया है। वो बिल्डर ने मेक श्योर कर लिया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, कुछ इसके ऊपर मजीद काम जारी है। विद इन 60 डेज जैसे ही आप लोगों को बिल्डिंग का पोजेशन दिया जाएगा, आप लोग देखेंगे कि इस बिल्डिंग में क्लिनिक्स वगैरह ऑपरेशनल हो चुके हैं और कुछ फूड ब्रांड्स भी इसमें आ रहे हैं, कुछ बेसमेंट में, कुछ टॉप फ्लोर पे, और कुछ इस तरह से जो क्लिनिक्स हैं वो भी यहाँ पे ऑपरेशनल और फंक्शनल आप लोगों को नजर आएंगे। कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स ने बहरिया टाउन कराची में अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 से 7 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें 5 प्रोजेक्ट आज अपनी हर गुजरते दिन के साथ अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज से पहले बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारे लोग आए, बाय वन गेट वन फ्री, या जी आप लोग बड़े बड़े डिस्काउंट ले लें, इस तरह कर लें, प्रॉपर्टीज को एडजस्ट कर लें, और किराए के वादे किए गए लेकिन उन चीज़ों को मुकम्मल नहीं किया गया। आज मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले जब हमने इस प्रोजेक्ट को किया था, तो उस वक्त बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारी नेगेटिविटी हमने भी इसकी बुकिंग के टाइम पे फेस की थी। लेकिन इस पर हमने ऑप्शंस रखे थे, जिसने रेंटल्स ऑप्शन पे जाना है वो जाए, जिसने नहीं जाना वो छोड़ दे। फिर सेकेंडली, और हमने ये कहा था कि रेंटल्स इसके उसी वक्त शुरू किए जाएंगे जब बिल्डिंग्स बन जाएगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द पोजिशन कि हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग एक खास हद तक बन चुकी है, एंड विद इन 60 डेज, ये 60 डेज का चैलेंज है, और बिल्डर ये खुद चैलेंज अपने आप को दे रहा है, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि 60 डेज के अंदर अंदर हम बिल्डिंग की कंप्लीशन करके, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर ऑल काइंड ऑफ एनओसीज बिल्डिंग विल बी इन ऑपरेशनल एंड फंक्शनल मूड। आप लोग ये देख सकते हैं। इसके अलावा भी अपार्टमेंट पर मुश्तमिल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं
जो जीरो डाउन पेमेंट पर दिए जा रहे हैं, विलास भी जीरो डाउन पेमेंट पर इसी तरह हमारे पास दस्तियाब हैं, आप लोग ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में खासकर ये चार फ्लोर पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है, लिमिटेड इन्वेंट्री है हमारे पास, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पहले आइए पहले पाइए के बुनियाद पर आप लोग लेंगे। इसमें अशरफ भाई, राशिद भाई और उस्मान अली एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी गई हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पीपीएल के तवसत से या किसी भी तरह लिबर्टी ट्रेड सेंटर के इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप लोगों ने बुकिंग करवाई थी, या आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके मैच्योर कर चुके हैं, आप रीसेल की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से रब्ता कर लें। अगर आप लोग फ्रेश बायर हैं, आपने इससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है नाज़रीन। कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स के बारे में मैं ये भी चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ, आज से पहले रावलपिंडी, बहरिया टाउन रावलपिंडी, इस्लामाबाद और स्कर्दू में, मरी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपने मुकम्मल कर चुके हैं, और ये सारे के सारे मुकम्मल करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन यानी तामीर की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मल्टीपल बिजनेस और भी किए, विलास भी बनाए, हाई राइज भी बनाए, लेकिन बहरिया टाउन कराची में आपको पता है कि अपनी जगह बनाना हर नए बंदे के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स ने जीरो डाउन पेमेंट से इनिशिएटिव लिया, और खासकर गुज़िश्ता जो 2-3 साल गुजरे हैं ये भी देखिए कितने चैलेंज वाला ये टाइम था। बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स ने अपना काम रोक दिया, बहुत बड़े बड़े लोग वादे करके अपने वादे पूरे नहीं कर सके, लेकिन आज मैं इस बिल्डर की तारीफ करता हूँ, बल्कि अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ ऑन कैमरा कि किस तरह से इस बुरे वक्त में भी इन लोगों ने एक दिन के लिए भी अपना काम नहीं रोका, बल्कि कस्टमर की कॉन्फिडेंस को विन करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो कमिटेड टाइमलाइन थी उसी को मीट किया। आज 60 डेज का वंस अगेन चैलेंज अपने आप को ये दे रहे हैं कि हम 60 डेज के अंदर अंदर हम पोजीशन देने की पोजीशन में हैं, और आफ्टर ऑल काइंड ऑफ एनओसीज बिल्डिंग विल बी इन रनिंग पोजीशन। ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है, आप लोग जितनी भी फुटेज आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं दिस इज रियल टाइम फुटेज, ये कोई बनावटी या कोई वो 3D टाइप कुछ ऐसी एनिमेटेड वीडियोस नहीं है, ये हमारे कैमरामैन, हमारी IT टीम माशाल्लाह वहाँ जाके खुद से रिकॉर्ड करके वहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो आपको दिखा रहे हैं। लोकेशन के अतबार से मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसी लोकेशन के सराउंडिंग में बहरिया हाइट्स का एरिया है जहाँ पे अच्छी खासी आबादी हो चुकी है, प्रेसिंक्ट 10 का एरिया, प्रेसिंक्ट 6 है, 8 है, प्रेसिंक्ट 7 है, और इसी तरह अली ब्लॉक या गिरदोनवा में अगर आप लोग देखते हैं कि मिडवे कमर्शियल से बहरिया टाउन के हेड ऑफिस से, यानी ये काफ़ी एक्टिव रोड है जहाँ पे अक्सर गुजर बसर होता रहता है, और बहरिया टाउन की ये वाली पर्टिकुलर लोकेशन जब आबाद होगी, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी अच्छा होगा, यानी कमर्शियल प्रोजेक्ट बड़ी कामयाबी के साथ हम लोग इसको रन कर सकेंगे। तो इसमें नाज़रीन हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस मौजूद हैं, और मैं ये भी क्लेम कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने रीसेल करना हो तब भी टीम PPL आप लोगों को सर्विसेज दे रही होगी। अगर आप फ्रेश बायर हैं, आज से पहले इस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट नहीं किया था, तो उस्मान अली का नंबर दिया गया है, राशिद भाई का नंबर दिया गया है, और अशरफ भाई का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, यू कैन कॉन्टेक्ट एंड यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी विद जीरो डाउन पेमेंट, रेंटल अश्योरेंस 7% जो सालाना इसकी वो बनेगी रेंटल्स वो ले सकते हैं, 2 साल तक आप लोग ये किराया एंजॉय कर सकेंगे, और फिर 1 साल के पेमेंट प्लान पे आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं। पहली किस्त की अदायगी कीजिए और रेंटल्स का वादा ले लीजिए। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कोई भी आपका सवाल जो शायद मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया, वो सारी बातें पूछने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।